हेलो फ्रेंड्स, आपका धर्मशीला किचन में फिर से स्वागत है। आज हम बनाएंगे गार्लिक ब्रेड कढ़ाई में। हंडी है, कुकर तो मेरा बड़ा नहीं है, लेकिन मैं आज हंडी में बना के दिखाऊंगी आपको। गार्लिक ब्रेड खाने में बहुत टेस्टी लगता है और सॉफ्ट बनता है, तो आप एक बार ज़रूर ट्राई करना। चलिए ज़्यादा बातें नहीं करते हैं, रेसिपी स्टार्ट करते हैं। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले, आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को दबाइए कि नए नए वीडियो को नोटिफिकेशन आपको पहले मिले। चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने कांच के बाउल लिया है, आप कोई भी बर्तन लीजिए। अब इसमें डालेंगे आधा कप गर्म पानी, इसमें डालेंगे एक चम्मच चीनी यानी कि शुगर। अब इसको मिक्स कर लेंगे, इसमें शुगर घुल जाए पानी में। अब इसमें डालेंगे एक्टिव ईस्ट एक चम्मच। अब इसको 10 से 15 मिनट के लिए हम रख देंगे, 10 से 15 मिनट के बाद हम देख रहे हैं, आप देख सकते हैं बबल ऊपर आ गया है, मतलब हमारा ईस्ट फूल गया है। अब इसमें डालेंगे एक कटोरी मैदा, इसमें डालेंगे नमक स्वाद अनुसार, इसमें डालेंगे लहसुन, आप चाहें तो गार्लिक पाउडर भी डाल सकते हैं अगर आपके पास अवेलेबल हो तो। मैंने बारीक काट लिया था, उसको मैंने डाल के इसमें अच्छे से आटा लगा लेती हूँ। इसको 10 मिनट तक मसलना है, अगर चिपके तो थोड़ा सा सूखा मैदा लगा लीजिएगा, उसे चिपकना बंद हो जाएगा। ये ज़्यादा गीला नहीं होता है, देखिए सॉफ्ट डो तैयार हो गया है। अब इसको तेल डाल के एक बर्तन में रख देते हैं 1 घंटे के लिए फूलने के लिए, गीले कपड़े से ढक देंगे। अब चेक करते हैं डो को 1 घंटा बाद, देखिए ये फूल के डबल हो गया है। अब इसका हवा निकाल लेते हैं मुक्का मार के, इसको फिर से हम सेल्फ पे निकालते हैं। इसको आटे जैसे ज़्यादा नहीं गूंदेंगे, थोड़ा सा इसको और सॉफ्ट कर लेते हैं। थोड़ा सा सूखा मैदा भी लगा लीजिएगा। अब इसमें दो बनेगा हमारा गार्लिक ब्रेड। ये केक टिन है, इसमें हम बटर लगा के ग्रीस कर लेंगे कि ये चिपके ना। इसको साइड में रखते हैं, अब इसको बेलन से बेल लेते हैं। ज़्यादा पतला नहीं करना है, केक टिन से हम माप लेंगे कितना साइज के चाहिए। जितना बड़ा केक टिन उतना ही बड़ा हमारा सर्कल होना चाहिए, नहीं तो उसमें अटेगा नहीं फिर। अब ये मोजरीला चीज़ है, इसको मैं डाल लेती हूँ। अब देख सकते हैं मैं साइड साइड से डाल रही हूँ, 1 साइड मैंने डाला है। आप चाहें तो यहाँ पे कॉर्न भी इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपके पास अवेलेबल है तो। इसमें डालेंगे रेड चिली और थोड़ा सा डाला है चिली फ्लेक्स और पिज्जा सीजनिंग, और मैं डालूंगी चॉप किया हुआ लहसुन। अब गार्लिक पाउडर भी डाल सकते हैं आपके पास अवेलेबल होगा तो। इसको पानी लगा के साइड में मैंने अच्छे से चिपका लिया। अब बटर से इसको ऊपर से लगा देंगे कि ये बेस सूखे ना। इसके ऊपर डालेंगे पिज्जा सीजनिंग, फिर डालेंगे रेड चिली फ्लेक्स। ये रेड चिली को मैंने दरदरा पीस लिया था मिक्सर में, तो इसको चिली फ्लेक्स बोलते हैं। मैंने केक टिन में रख दिया, इस पर कट लगाएंगे, ज़्यादा नहीं लगाना है, अंदर तक नहीं ऊपर ऊपर लगाना है।
पे कट लगा लेते हैं अच्छे से। ये मैंने हंडी लिया है, नॉन स्टिक का है। आप कोशिश करिएगा कि कुकर में बनाएं। मेरा कुकर बड़ा नहीं था इसलिए मैंने हंडी में बना रही हूँ आज। कि इसमें मैंने नमक डाला है, इसमें डाल रही हूँ स्टैंड। आपके पास अगर स्टैंड नहीं हो तो आप प्लेट भी डाल सकते हैं। अब इसको 5 मिनट के लिए प्री हीट कर लेंगे मीडियम फ्लेम पर। 5 मिनट हो गया, अब केक टिन को रख देते हैं। गार्लिक ब्रेड जिसमें रखे हैं अब इसको ढक देते हैं 30 से 35 मिनट के लिए। हमारा गार्लिक ब्रेड रेडी है। इसको टोटल पकाने में 30 से 40 मिनट लग गया है मुझे। ये कढ़ाई में बनाने में बहुत टाइम लगता है। आप कोशिश करिएगा कि कुकर में बनाएं। कुकर में बहुत जल्दी बन जाता है, उसमें 20 से 25 मिनट लगता है। सेम प्रोसेसिंग रहता है यही, लेकिन उसका सीटी निकाल के आप बैठा सकते हैं मीडियम फ्लेम पे। ये मैंने मियोनी के साथ इसको सर्व किया है। आप चाहे तो सॉस के साथ भी खा सकते हैं। मियोनी में मैंने घर पे ही बनाया है। नेक्स्ट रेसिपी में मैं डाल दूंगी मियोनी कैसे बनता है। अब मैं इसको काट के दिखाती हूँ गार्लिक ब्रेड को। देखिए कितना अच्छा पक गया है ना, सॉफ्ट भी है और खाने में भी बहुत टेस्टी लगेगा। तब बनाइए, अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कीजिए। फिर मिलते हैं नए रेसिपी के साथ।